पाली पाटीदारोनी धार्मिक संस्था खोडलधामना चेरमेन नरेश पटेलना राजकारणमा प्रवेशने लईने चर्चाओ सतत चाली रही छे अने आ वच्चे महत्वपूर्ण घटनाक्रम सर्जायो। कोंग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेले खोडलधाम चेरमेन नरेश पटेलने खुल्लो पत्र लखीने सक्रिय राजकारणमां जोडावानो आग्रह कर्यो छे। हार्दिक पटेले लखेला पत्रमां भाजपना राजमां खेडूतो अने वेपारीओनी स्थिति खराब होवानो उल्लेख करायो छे। आ उपरांत पाटीदार समाजना लोकोने सरकारनी नीतिना कारणे खेती अने व्यवसायमां हैरान थता होवानो पण उल्लेख करायो छे। हार्दिक पटेले फक्त पाटीदार नेता तरीके नहीं परंतु कोंग्रेसना कार्यकर तरीके पण नरेश पटेलने सक्रिय राजनीतिमां आवा माटे अपील करी छे। तो खोडलधाममां महिला दिवस निमित्ते योजायेला धार्मिक कार्यक्रममां उपस्थित नरेश पटेले हार्दिकना पत्र अंगे निवेदन आप्युं। नरेश पटेले कह्युं के हुं हार्दिक पटेल साथे पहेला पत्र अंगे चर्चा करीश। नरेश पटेले कह्युं के राजकारणमां जोडावुं के नहीं ते मारो अंगत निर्णय हशे, परंतु खोडलधाम तो आपने जणावी दीए के जे रीते प्रतिक्रिया आवी छे, हार्दिक पटेले एक खुल्लो पत्र लख्यो छे अने तेनाथी गुजरातनुं राजकारण गरमायुं छे। खोडलधाम क्यारे राजकीय प्लेटफॉर्म नहीं बने तेवुं नरेश पटेले कह्युं। मैं पत्र हमणां ज वाँच्यो छे, हार्दिकभाई साथे वात करवानी पण मारे बाकी छे, त्यारे हुं हार्दिकभाई एकवार वार्तालाप करी लई अने एने क्या माध्यमथी मने पत्र लख्यो छे पण मारे पूछवानुं बाकी छे। त्यारे आ पत्र નો કોઈ સચોટ જવાબ હું અત્યારે ના આપી શકું। તો આપને જણાવી દીધી કે હાર્દિક પટેલે જે પત્ર નરેશ પટેલે લખ્યો છે તેને લઈને નરેશ પટેલે પણ પ્રતિક્રિયા આપી અને તેમણે કહ્યું કે આ મામલે પહેલા તેઓ સીધા હાર્દિક પટેલ સાથે ચર્ચા કરશે અને સાથે તેમણે કહ્યું કે રાજકારણમાં જોડાવું કે નહીં તે તેમનો અંગત નિર્ણય હશે।